प्रेम प्रसंग में नौकरी गंवाई लड़की ने डॉक्टर पर शादी के झांसा देकर गलत करने का लगाया आरोप। तो आइए देखते हैं समस्तीपुर से अरविंद कुमार के साथ अमरदीप नारायण प्रसाद की खास रिपोर्ट। समस्तीपुर में प्रेम प्रसंग का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां डॉक्टर ने एक महिला पुलिस कांस्टेबल को शादी का झांसा देकर लंबे समय तक उसका यौन शोषण करता रहा। जब पुलिस कांस्टेबल ने डॉक्टर पर शादी का दबाव बनाया तो वो शादी से मुकर गया। इस बीच डॉक्टर के प्यार में पागल महिला कांस्टेबल ने अपनी अच्छी वाली नौकरी भी छोड़ दी। अब पीड़ित युवती ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन आवेदन देने के 20 दिन बाद भी महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकी। दरअसल जिले के वारिसनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती नौकरी की तलाश में थी। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण नौकरी करना उसकी मजबूरी बन गई थी। साल 2014 में पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर मनीर आलम के पास जाकर काम के सिलसिले में बात की, जिसके बाद डॉक्टर ने धर्मपुर स्थित अपने निजी अस्पताल डॉक्टर जाकिर हुसैन अस्पताल में उसे रिसेप्शनिस्ट का काम दे दिया। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन बाद में डॉक्टर अपने निजी काम से उसे किसी न किसी बहाने बुला लेता था। इस दौरान जब दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी तो बात प्रेम प्रसंग तक पहुंच गई। एक दिन डॉक्टर ने युवती के समक्ष शादी का प्रस्ताव रख दिया, जिसके बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनने लगे। इसी बीच युवती की नौकरी बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर लग गई। नौकरी मिलने के बाद युवती सरहसा चली गई और वहां पुलिस की नौकरी करने लगी। प्रेमिका के दूर जाने के बाद डॉक्टर युवती को वापस बुलाने के लिए तरह तरह से दबाव बनाने लगा। डॉक्टर लगातार युवती से वापस आने की बात कहता रहा। इसी बीच युवती पुलिस की नौकरी छोड़ वापस समस्तीपुर पहुंच गई, लेकिन समस्तीपुर पहुंचने के बाद डॉक्टर ने शादी से इनकार कर दिया। प्रेमी की दगाबाजी की शिकार युवती थाने पहुंची और महिला थाने की पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। जब मीडिया कर्मी डॉक्टर से बात करना चाहा तो वो कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वहीं युवती पुलिस से न्याय नहीं मिलता देख मीडिया से न्याय दिलाने की गुहार लगाई। हमारा बैनर इस बात की पुष्टि नहीं करता है। पीड़िता के आरोप के अनुसार खबर प्रकाशित की गई है। शादी का मामला है, शादी का धोखा दिया है, शादी कर करके डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट का संचालक है डॉक्टर मोहम्मद मनीर आलम। इसी के यहाँ 2014 में मैं गई थी रिसेप्शनिस्ट के लिए काम, जॉब सर प्राइवेट जॉब छोड़ने के लिए, वहीं की बस वहीं नज़दीकियाँ बढ़ते गए और फिर शादी के लिए बोला कि हम तुमसे शादी करेंगे और बस इसी बीच मेरे साथ जो किया धोखा किया मेरे साथ। और फिर मैं इसी बीच हमको लग गया जॉब तो यहाँ सहरसा में बिहार कांस्टेबल पे, तो वहाँ मैं चली गई सहरसा के यहाँ खगड़िया। फिर भी वहाँ भी चैन से हमको नहीं रहने दिया, आओ जो हम कमाते हैं तुम्हारे लिए सब ये है, जितना तुम वहाँ महीना में कमाओगी उससे ज़्यादा हम एक दिन में कमा करके मतलब तुमको दे देंगे। लेकिन हमको सुकून से वहाँ भी नहीं रहने दिया। जब हम वहाँ से चले आए और फिर जब शादी के लिए बोले तो टालमटोल कर रहा, आज करेंगे कल करेंगे ना, कहीं घबराती हो टेंशन नहीं लो अभी है, और पहले से वो हम बताए थे कि हम अविवाहित हैं। और उसके बाद जब फिर घर वाले भी उनके ऊपर दबाव बनाए कि शादी करो तो भाग गया, फिरार हो गया। इसी बीच पापा भाई मेरे सब उनके घर पे भी गए मिलने के लिए कि जाके पूछा जाए क्या है, वहाँ से भी फिरार हो गया। हॉस्पिटल पे मैं खुद भी गई थी मिलने के लिए, वहाँ से भी वो फिरार हो गए। लास्ट में जाकर के हमको ये प्रशासनिक मतलब सहारा लेना पड़ा, लेकिन यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम ना 14 तारीख को महिला थाना में अप्लीकेशन दी हो, लेकिन वहाँ से भी कोई ये नहीं हो रहा, कोई सहारा नहीं मिल रहा, मैं कुछ बोल ही नहीं रही है। 13 तारीख को जो हमने महिला थाना में जो आवेदन दिया है तो अभी 20 दिन के लगभग होने जा रहा है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसी बीच हमने एक एसपी को भी आवेदन दिया, एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया है कि 4 दिन रुक जाओ कार्रवाई होगी इस पर। तो जैसा कि मालूम हुआ कि वो लोग पैसा वाला आदमी है और पैसा काफ़ी खर्च कर रहा है, जिसकी वजह से जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है।